अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि पबजी मोबाइल गेम के अंदर अगर आप लिविक वाले मैप को डाउनलोड करते हैं और वहां पर अगर आपको कोई एरर इशू दिखाई देता है और आपका जो मैप है वो अगर डाउनलोड नहीं हो रहा पबजी के अंदर, तो इसको आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस अगर आपका लिविक मैप डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपने एक बार पबजी से बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद आपने चले जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपने चले जाना है ऐप्स मैनेजर के अंदर, ठीक है। किस में मोबाइल में लिखा होता है ऐप्स मैनेजर, किस में लिखा होता है इंस्टॉल ऐप, तो इसके अंदर आपने चले जाना है। उसके बाद यहाँ से आपने पबजी को ढूँढ लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने स्टोरेज पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक मिलेगा क्लियर डेटा और दूसरा मिलेगा क्लियर कैच। तो गाइस आपने क्लियर डेटा के ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना है, ठीक है। सिंपली आपने क्लियर कैच पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने बैक कर देना है, ठीक है। बैक करने के बाद उसके बाद आपने फोर्स स्टॉप एक बार मार देना है और उसके बाद आपने एक बार फ्लाइट भी लगा देनी है अपने मोबाइल के अंदर, ठीक है। अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं तो आपने फ्लाइट मारनी है। अगर आप यूज़ नहीं करते, वाईफाई यूज़ करते हैं, तो आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही पबजी के अंदर जाकर लिविक वाले मैप को डाउनलोड करेंगे तो जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा ईजिली, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दो में याद रखिएगा।